5 धमकियों के बाद ये दूसरा मौका था जब हमलावर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर तक जा पहुंचे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बंदूक की गोली सीधे गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर जा पहुंची। रविवार की सुबह जिन दो लोगों ने सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई थी, उनमें से पहले एक की शिनाख्त की गई और फिर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया। अब उन दोनों को किसी भी वक्त मुंबई लाया जा सकता है। मुंबई पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों की शिनाख्त सागरपाल और विक्की साहब गुप्ता के तौर पर की गई। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि सागरपाल ही वो शूटर है जिसने सलमान के घर पर फायरिंग की। चलिए आपको बताते हैं इस शूटआउट की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। संडे की सुबह सुबह मुंबई के नामचीन पते में से एक गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर और बाहर जो कुछ हुआ वो ये सवाल खड़े करता है कि पिछले 14 सालों से जेल में बंद एक गैंगस्टर आखिर जेल या अलग अलग जेलों के अंदर से ही ये सब कुछ कैसे कर रहा है। आज इस वीडियो में जानेंगे पिछले 6 सालों में सलमान खान को जो 5 धमकियां मिली और ताजा हमले से जुड़े पूरी इनसाइड स्टोरी। साल 2018 जोधपुर कोर्ट, यही वो साल था जब सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी मिली थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पहली बार कहा था कि हम लोग सलमान खान को जोधपुर में ही मारेंगे। साल 2019 मुंबई, लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर संपत नेहरा ने कायदे से पहली बार सलमान को मारने की कोशिश की। तब वो बकायदा मुंबई में सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर तक पहुंच गया। लेकिन तब उसके पास जो हथियार था उसकी रेंज कम थी, इसलिए उसने हमले का प्लान टाल दिया और दूर तक मार करने वाले हथियार की तलाश में हरियाणा पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि उसे हथियार मिलता वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तीसरी धमकी जून 2022 जॉगिंग पार्क बांद्रा। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर संपत नेहरा के गैलेक्सी अपार्टमेंट तक पहुंच जाने के बाद इस बार हमलावर उसी गैलेक्सी अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर उस जॉगिंग पार्क तक पहुंच चुके थे जहां सलमान खान के पिता सलीम खान रोजाना मॉर्निंग वॉक किया करते थे। मॉर्निंग वॉक के बाद पार्क के जिस बेंच पर सलीम खान बैठा करते थे उसी बेंच पर हमलावर धमकी भरी एक चिट्ठी छोड़ गए। इस चिट्ठी में लिखा था, सलमान और उसके पिता सलीम खान का ठीक वही अंजाम होगा जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का हुआ। ये खास सिद्धू मूसेवाला की मौत से ठीक एक महीने बाद मिला था। मार्च 2023 धमकी भरा ईमेल। सलमान के मैनेजर को एक ईमेल मिला था। ये मेल लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के खास गुर्गे मोहित गर्ग की ईमेल आईडी से आया था। इस मेल में सलमान को चेतावनी दी गई थी कि वो कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से फेस टू फेस बात कर ले, वरना लॉरेंस बिश्नोई के हुक्म के मुताबिक उसे भी मार दिया जाएगा। मेल में लिखा था कि ये धमकी आखिरी धमकी है, इसके बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मुंबई पुलिस ने इस ईमेल के बाद लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और मोहित गर्ग के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। नवंबर 2023 फेसबुक के जरिए धमकी। लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाले फेसबुक अकाउंट से ये धमकी पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल को दी गई थी, लेकिन इस धमकी में सलमान खान का नाम भी शामिल था। इस बार भी धमकी जान से मारने की थी। तो पिछले 6 सालों में 4 धमकी और संडे की वारदात को मिला दें तो 2 बार हमलावर गैलेक्सी तक पहुंच गए। लेकिन इन सभी मामलों में एक संपत नेहरा को छोड़ दें तो अब तक इस मामले में कोई खास जांच नहीं हुई है। हालांकि दिक्कत पुलिस के सामने भी है। दिक्कत यह है कि धमकी और हमले का जो मास्टरमाइंड है यानी लॉरेंस बिश्नोई, वो 2014 से ही जेल में बंद है। फिलहाल वो अहमदाबाद की जेल में है। लॉरेंस के बाद उसके गैंग का दूसरा सबसे बड़ा नाम यानी गोल्डी बराड़ पिछले 6 सालों से कनाडा में बैठा है। अब आप ही बताइए, जो पहले से ही पकड़ा हुआ है और जिसे पकड़कर जेल में रखा हुआ है यानी लॉरेंस बिश्नोई, उसका पुलिस क्या कर लेगी? और जो देश में ही नहीं है उसे दूर देश से अपने देश कैसे लाएंगे? रही सलमान खान को धमकी देने या गैलेक्सी तक पहुंचने वाले गुर्गों की बात, तो वो महीने के हिसाब से बदलते रहते हैं। लिहाजा ऐसे गैंग और गुर्गों से सलमान खान को बचाने के वक्त पर उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है। जहां तक कि पिछले साल सलमान को पिस्टल रखने के लिए मुंबई पुलिस ने लाइसेंस भी दे दिया है, वहीं खुद की हिफाजत के लिए पिछले ही साल सलमान खान ने बाकायदा दुबई से इंपोर्ट कर एक बुलेट प्रूफ SUV निसान गाड़ी भी मंगा ली। सलमान के अपने सुरक्षा गार्ड के अलावा मुंबई पुलिस की तरफ से सलमान खान को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली है। अब सवाल यह है कि अगर गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान एक्स कैटेगरी की सुरक्षा में रह रहे हैं तो फिर उसी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर 2 मोटरसाइकिल सवार इतनी आसानी से 5 राउंड गोलियां चलाकर वहां से कैसे निकल पा गए? तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।